दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों हमारे इस चैनल में हम आपके लिए रोज नई नई हेल्थ टिप्स लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी एक मुख्य जानकारी हम आप सभी लोगों के लिए लेकर मौजूद हैं, जो कि हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछी थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुपारी खाने के नुकसानों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आपने आज से पहले सुपारी खाने के बहुत सारे फायदों के बारे में सुना होगा, लेकिन इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसके नुकसान बताएं, उससे पहले आपको सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। दोस्तों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल से भरपूर सुपारी वैसे तो एक आयुर्वेदिक औषधि की तरह होती है, लेकिन पान मसाला, मीठी सुपारी में इसका सेवन करना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मगर औषधि के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो ये आपको कई बीमारियों से निजात भी दिला सकती है, लेकिन गुटके के तौर पर इसका सेवन करोगे तो यह शरीर में कई बीमारियों की जड़ बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसके कोई फायदे तो बता नहीं रहे, आज की इस वीडियो में हम फोकस करते हैं इसके साइड इफेक्ट के ऊपर। तो चलिए अब आपको बताते हैं इसको खाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों इसका पहला नुकसान देखा जाता है गले के कैंसर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, सुपारी में मौजूद एल्कलाइड और पॉलीफिनॉल्स सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। दोस्तों ये दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं जो कि गले के कैंसर का कारण बन सकती है। अधिकतर केसों में देखा गया है कि जो लोग सुपारी का सेवन गुटके के रूप में करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सुपारी का सेवन करते रहते हैं, दिन भर चबाते फिरते हैं, उन लोगों में गले का कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, ऐसा एक स्टडी ने भी दावा किया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि ये आपके मसूड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। जी हाँ, कुछ लोगों को रोज़ाना सुपारी चबाने की आदत होती है, खाना खाते हैं उसके बाद बिना सुपारी खाए वो रह नहीं पाते हैं। तो दोस्तों इससे होता क्या है कि धीरे धीरे आपके मसूड़े खराब होना शुरू हो जाते हैं, उससे आपको माउथ अल्सर होने का खतरा भी हो सकता है, मुंह में छाले वगैरह देखने को मिल सकते हैं और ख़ास करके मसूड़े धीरे धीरे करके खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुपारी का सेवन करते हैं तो प्लीज़ इसका सेवन करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपके मसूड़ों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे साइड इफ़ेक्ट की। दोस्तों तीसरा साइड इफ़ेक्ट होता है मुँह के कैंसर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ लोग खाना खाने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं इसे, तो उनके मसूड़ों को तो नुकसान होता ही है, साथ ही अगर बहुत ज़्यादा इसका रेगुलर बहुत सालों से आप सेवन कर रहे हैं तो ये आपके मुंह के कैंसर का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, दरअसल पान सुपारी और कास्टिक चूना इसमें मिला दिया जाए तो इसके परिणाम और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, जिससे आप में मुंह का कैंसर होने तक की संभावना भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सुपारी का सेवन आज की तारीख में ही बंद कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दोस्तों बात करते हैं इसके आखिरी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, जो कि होता है हाई ब्लड प्रेशर के रूप में। जी हाँ, जो लोग लगातार सुपारी चबाने के आदी होते हैं उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और दोस्तों ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियों से वो ग्रसित हो सकते हैं, जैसे कि चिंता, एकाग्रता यानी कि फोकस में कमी होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, कोई भी रोग आपको आसानी से हो जाना, इसके अलावा नींद की कमी हो जाना, अनिद्रा की समस्या देखी जाना, ये सारी वो तमाम प्रकार की बीमारियां होती है जो कि इसके ज़्यादा सेवन से आपको हो सकती है। तो दोस्तों ये थे वो साइड इफ़ेक्ट जो कि सुपारी खाने से आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों सुपारी को अगर एक लिमिट में अगर आप खाते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन गुटखे के साथ सुपारी का इस्तेमाल करते हैं, चूना इसमें बहुत ज़्यादा मिलाते हैं और फिर इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई कितना ही कह दे बेनिफिशियल नहीं होने वाली। तो ऐसी सिचुएशन में इसके साइड इफेक्ट को ध्यान रखें, अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और इससे दूरी ही बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा होगा।
तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो कि बहुत ज़्यादा सुपारी चबाते हैं या फिर सुपारी के आदी हो चुके हैं, ताकि वो भी इन साइड इफ़ेक्ट को जानकर अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हो पाएँ। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।